राजस्थान से पंजाब की दूरी 80 किलोमीटर कम करने के लिए बन रहे नेशनल ग्रीन कॉरिडोर का किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। दरअसल ये ग्रीन कॉरिडोर 17 गांवों से होकर गुजरता है और इसकी कुल लंबाई 230 किलोमीटर है, लेकिन अब किसानों ने मुआवजे की रकम बढ़ाने को लेकर सरकार का विरोध शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि सरकार जिस रेट से मुआवजा दे रही है वो बेहद कम है। किसानों की मांग है कि कलेक्टर रेट को मार्केट रेट के हिसाब से रिवाइज किया जाए। किसानों ने मांग की है कि मुआवजे की राशि 2 करोड़ रुपया प्रति एकड़ की जाए। इतना बिल्कुल भी नहीं है। ये चाहते हैं कि सरकार शांतिप्रिय ढंग से हमारा जो धरना चल रहा है, और सरकार से हमारी बार बार अपील है कि इसमें कम से कम 2 करोड़ रुपए मुआवजा हमें किसानों को जरूर दिया जाए। ये धरना अनिश्चितकालीन है, जब तक हमारे कलेक्टर रेट के ऊपर रिवाइज या उनको जब तक वापिस रिवाइज करके अच्छे रेट जो है किसानों को नहीं दिए जाएंगे, तब तक ये धरना अनिश्चितकाल के लिए।